किसान भाइयों, आज आपके सामने प्रस्तुत है 12 एचपी का बेहतरीन ट्रैक्टर जिसका नाम है कोड बाई स्वराज। इस वीडियो के दो पार्ट हैं, ये है पार्ट वन, भाग एक। किसान की प्रगति देश की प्रगति, ईमानदारी मेहनत जिसकी है शान, वह है मेरे देश का किसान। किसान भाइयों, आज आपके सामने प्रस्तुत है 12 एचपी का बेहतरीन ट्रैक्टर जिसका नाम है कोड बाई स्वराज। दोस्तों, इस ट्रैक्टर की खूबियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम हॉर्स पावर की बात करते हैं। 12 एचपी का सिंगल सिलेंडर ट्रैक्टर, जो कि बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ कंपनी ने इसको बनाया है, पहला भारतीय ट्रैक्टर जो संपूर्ण रूप से भारत में निर्मित और डिज़ाइन किया गया है। टू व्हील ड्राइव में ये कंपनी ने प्रस्तुत किया है। सिंगल सिलेंडर एयर कूल ट्रैक्टर है, जिसके अंदर कहीं पर भी आपको रेडिएटर नहीं मिलता। हम बात करते हैं किसान भाइयों इसके गियर की। ये जो इसके गियर हैं, उसमें आपको साइड शिफ्ट गियर मिलते हैं। हम बात करते हैं हाई लो मीडियम या हाई लो रिवर्स, तो एक गियर आपका न्यूट्रल है, उसके अलावा तीन गियर दिए गए हैं। तो तीनों गियर में आपको हाई स्पीड भी मिलेगी, लो भी मिलेगी, और जो बेहतरीन है रिवर्स स्पीड, वो भी आपको तीनों गियर में मिलेगी। यानी इसके अंदर आपको जो इंजन मिल रहा है, वो इंजन एक पेट्रोल से चलने वाला इंजन है, जिसमें 10 लीटर का एक फ्यूल टैंक दिया गया है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड, हम ट्रैक्टर की स्पीड बात करते हैं, जिसकी स्पीड 1.7 किलोमीटर से 17 किलोमीटर तक की स्पीड दी गई है। किसान भाइयों, बात करते हैं फ्रंट व्हील की। 409 नंबर के फ्रंट व्हील हैं, और उसी के साथ हम बात करते हैं पिछले टायर की। 614 के पिछले टायर दिए हैं, जो कि इंटरक्रॉप के लिए बहुत ही बेहतरीन टायर हैं। सबसे बड़ा जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस ट्रैक्टर में, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी बेहतरीन चीज़ है। बेहतरीन चीज़ ये है कि इस समय इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, वो लगभग 250 mm है, और इसके अंदर ये फैसिलिटी दी गई है कि इस ट्रैक्टर को आप 550 mm तक भी ऊंचा कर सकते हैं। यानी यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है, उस सिस्टम को हाइड्रोलिक करके आप यहाँ के जो बोल्ट हैं, वो यहाँ अटैच कर देंगे जैक के द्वारा, तो आपके जो ट्रैक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस है, वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी जिस भी इंटरक्रॉप में आपको चलाना है, जिस भी फसल में, चाहे वो कैस्टर एरंडी हो, या वो जो मान लीजिए आपकी फसल में कपास हो, या होने वाली दूसरी फसलें गेहूं वगैरह हो, तो कहीं पे भी आपको स्प्रे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलती है कि आप आसानी से इसको हाइड्रोलिक कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको स्प्रे में भी चला सकते हैं। इम्प्लीमेंट की बात करता हूँ, तो कंपनी इसके साथ आपको रोटावेटर और साथ में एक 4 दांते की कल्टीवेटर भी देगी, यानी वो अटैचमेंट भी आपको साथ में मिलेगा। दोस्तों, दिखने में ये बेहतरीन और शानदार ट्रैक्टर है। हर उस किसान की ये शान है, जो भी छोटे किसान हैं, छोटे से मतलब जिनकी ज़मीन कम है, उनके लिए ये बेहतरीन सौदा है, क्योंकि इसके अंदर दी गई फैसिलिटीज़ बेशुमार हैं। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी जो हाइड्रोलिक क्षमता है, तो 250 किलो की इसकी हाइड्रोलिक क्षमता है। कुल ट्रैक्टर का जो वज़न है, वो 450 किलो है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ट्रैक्टर को कहीं पर भी RTO की कोई मान्यता की ज़रूरत नहीं है। यानी इस पे आपका पूरा RTO और इंश्योरेंस का खर्चा बचने वाला है। साथ ही साथ में इस ट्रैक्टर पे कहीं पर भी आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वही पावर टिलर रेंज में आता है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने इस पे वो फैसिलिटी दी है। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देने वाली है। तो किसान भाइयों, इंतज़ार कीजिए कुछ और दिनों का, कुछ पल का। ये ट्रैक्टर धीरे धीरे हर राज्य में धूम मचाने वाला है, और आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ देने वाला है। फिर से मैं कहूँगा कि एक बार आप इस ट्रैक्टर का ट्राई ज़रूर लीजिए, अपने नज़दीकी डीलर का संपर्क कीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।